आज के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल हैं और कुंवर जी ग्रुप के रवि द्योरा बने हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। तपन, गुड इवनिंग। बताइए पहले तो आपके हॉट पिक्स आज के। गुड इवनिंग दीपाली, मेरी पहली हॉट पिक है आज की गोल्ड में। तो गोल्ड में आपने जैसे बताया कि जो करेक्शन आया है ऊपर के। गुड इवनिंग दीपाली, मेरी पहली हॉट पिक है आज की गोल्ड में। तो गोल्ड में आपने जैसे बताया कि जो करेक्शन आया है ऊपर के लेवल से, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रह सकता है। जो चाइना की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ रहा है कि चाइनीज यूनिवर्सिटी में जो कोरोना वायरस को डील करने के लिए एक ड्रग डेवलप हो रहा है, तो वो एक सक्सेस पॉइंट है। तो उसी वजह से हमने इक्विटी मार्केट में भी रैली देखी है। तो गोल्ड में करेक्शन मुझे लग रहा है कंटिन्यू हो सकता है। 40,100 पे सेलिंग आ सकती है। डाउन साइड टारगेट 39,800 और स्टॉप लॉस उसमें 40,300 का बना रहेगा। दूसरी मेरी पीक है कॉपर में। तो कॉपर में जैसा आपने बताया कि बेस मेटल्स में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो 433 पे कॉपर में बाइंग आनी चाहिए। 436 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और स्टॉप लॉस 431 का मेंटेन करना चाहिए। और जो मेरा तीसरा और आखिरी पीक है आज के लिए, वो है ICX रबर में। जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने एक तेजी गिनती देखी है और जो आज का जो सपोर्ट जो है वहां से प्राइस में रैली आ सकती है। केरला स्पॉट में प्राइस में थोड़ा दबाव है, लेकिन इंटरनेशनल जो बेंचमार्क है वहां से सपोर्ट मिल सकता है। 13,300 से उसमें बाइंग आना चाहिए। 13,500 का टारगेट रहेगा और 13,150 का उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी तपन की ओर से है जहां पर गोल्ड, कॉपर और रबर तीनों में बाय करने का सजेशन है। अब आउटलुक ले लेते हैं क्रूड पर। तपन, आपने ऑलरेडी गोल्ड पर तो स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन क्रूड पर भी अपना एक व्यू दीजिए, क्योंकि काफी एक्शन हमने पिछले दो दिनों में क्रूड पर बनते हुए देखा है और एक ये असमंजस तो भी बना रहेगा कि यहां से प्राइसेस कहां जाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि कोरोना वायरस के मद्देनजर एक आशंका ये बनी हुई है कि ओपेक जो है वो तेल उत्पादन में और कटौती कर सकता है और इसके लिए ओपेक अपने और सहयोगियों के साथ इस हफ्ते बैठक भी करने वाला है। तो अब ये बताइए, अब एकाएक जो ब्रेंट में हमने या फिर MCX पर जो गिरावट देखी है, गिरावट के बाद अब जो थोड़ी सी रिकवरी बनी है, इसको कैसे अब प्ले करना चाहिए? उछाल पर वापस बेचने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर कोई और आउटलुक है आपका? जी, क्रूड ऑयल की बात करें तो आज के सुबह के ट्रेड में हमको एक रिवर्स पोजीशन देखने को मिल रही थी, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में रैली थी, बेस मेटल्स में रिकवरी थी, लेकिन क्रूड ऑयल अंडर प्रेशर ट्रेड हो रहा था। और नून सेशन में जो हमने रिकवरी देखी है, जो मैंने बताया कि चाइना में शायद जो एक कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए एक ड्रग पे उन्होंने उसको सक्सेस मिली है, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर रहा है क्रूड ऑयल के लिए आज के दिन के लिए। और दूसरा, जो ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस हैं उनकी ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी की बैठक आज खत्म होगी, तो वहां से रिकमेंडेशन आ सकते हैं। लेकिन एक जो न्यूज आ रहा है कि रशिया रेजिस्ट कर रहा है जो ऑयल कट को जो है एक्सटेंड करने के लिए, तो उसका एक दबाव बना रहेगा। और शाम को इन्वेंट्री भी है क्रूड की, जो भी उसका भी बेरिश एक्सपेक्टेशन है, तो एक गिरावट इंट्राडे में हमको देखी जा सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल पॉजिटिव क्यूज है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से, अगर जो चाइना में रियली जो ब्रेक थ्रू मिला है कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज क्रूड ऑयल के लिए रह सकती है। तो गिरावट पे मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए बाइंग करनी चाहिए। 3590 का जो लेवल है वहां से बाइंग रेंज बन रही है। ऊपर में टारगेट 3680 का मेंटेन होगा और डाउन साइड स्टॉप लॉस 3540 के बिलो का मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको क्रूड पर बताई गई है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे मंडी खबरों का। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और दोनों जानकर हमारे साथ बने हुए आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और पहले कॉलर भी हैं, विक्रम है बिहार से। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने क्रूड ऑयल बाय किया हुआ था 3600 के रेंज पे, 5 लॉट। तो क्या करें, रखें या बेचें? ठीक है, पूछ लेते हैं 3600। बताइए तपन, क्या करना है? 3600 के लेवल पर 5 लॉट इन्होंने क्रूड ऑयल के बाय किए हुए हैं, अब क्या स्ट्रैटेजी आप इन्हें रेकमेंड करेंगे क्रूड पर, क्या करेंगे इस पोजीशन में? जी, क्रूड ऑयल में यहां से एक शॉर्ट रिकवरी दिख रही है। शाम को डेफिनेटली जो इन्वेंट्री डेटा है तो वहां पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है वो डिक्लाइन पे भी बाइंग आनी चाहिए। तो 3540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन होल्ड रखते हैं। ऊपर में 3680 और 3740 के लिए उनको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में मिल सकते हैं। फिलहाल आप होल्ड कीजिए, लेवल आपको बताया गया उसके आसपास एग्जिट कीजिए। सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल से। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? व्हाट्सएप के जरिए विकास ने सवाल भेजा है इंदौर से। सवाल है इनका गोल्ड पर, इन्होंने 3 लॉट बाय किए हुए 40,190 के लेवल्स पर, क्या सजेशन होगा आपका? तपन, आपने तो इनफैक्ट दिवाली का ट्रेड रेकमेंड किया है, इनकी पोजीशन खरीदारी की है, तो क्या इनको एग्जिट लेना चाहिए इस पोजीशन से?
जी फिलहाल अपनी करंट पोजीशन पे उनको आज का जो लो है 39,900 का, उसके बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, और जैसे ही गोल्ड प्राइसेस ऊपर में 40,100 के करीब आता है तो एक बार पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मोड है वो करेक्शन का मोड है, मुझे लग रहा है ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसे भी स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर आने पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो पोजीशन एग्जिट कर लीजिएगा, ऊपर के लेवल्स थोड़ा सा आपको मिलेंगे वहां पर, फिलहाल आपके बाइंग पोजीशन से तो ऊपर ही कर रहा है गोल्ड ट्रेड। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, तपन पटेल हमारे साथ बने हुए हैं, रवि द्योरा हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, रवि हैं हमारे साथ फोन लाइन पर ओडिशा से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं दो लॉट सेल है कॉपर का, अभी क्या करूं बताइए? तपन आपने तो बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है कॉपर में, इनकी पोजीशन सेल साइड पर है 435 के लेवल्स पर, क्या सजेशन है? जी कॉपर में मुझे लगे एक यहां से छोटा इंट्राडे करेक्शन आता है, लेकिन 433 से 432 की जो रेंज है वो एक सपोर्ट रेंज है, तो मुझे लग रहा है वहां पे अपनी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक अपने को शॉर्ट रिकवरी आती हुई लग रही है। तो सेलिंग लेवल पोजीशन है तो डिक्लाइन पे प्रॉफिट बुक कीजिए और वेट कीजिए सही लेवल पे एंटर करने का। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है, उसी के हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं, एग्जिट करने की ही सलाह है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल, शुक्रिया तपन और रवि आप दोनों का आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपना आउटलुक देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना है, लेकिन ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं मार्केट्स टुडे। नमस्कार।